हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया फिट एंड फाइन रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं विनोद मौर्य और मैं आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो प्लीज फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, सो दैट चैनल से जुड़े हुए हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सेट लेसन का लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेके आए, यानी कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, अभी हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 से हम लोग शुरू कर लेते हैं। काफी सिंपल सा है प्रैक्टिस सेट ये 1.1। जिन बच्चों ने भी अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा, तो वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें सारे के सारे बेसिक जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के रिलेटेड, उस सारे के सारे बेसिक कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो अगर देख लोगे तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देख कर रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको बोला गया है कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपने भी कल लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें हम लोग ने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रूल मेथड, एक तो रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, एक लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा था। तो अभी आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको बोला गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताओ। ओके, ये सेट को, तो सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, सेट ऑफ इवन नंबर। ओके, अब यहाँ पे किसी सेट का नाम तो नहीं लिख के दिया गया, बोला एक सेट बनाओ, उस सेट में सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली वी विल राइट द नेम ऑफ द सेट फर्स्ट। कोई भी सेट का नाम दे दो, ए से जेड के बीच में कोई भी एक लेटर ले लो, कैपिटल लेटर लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट ए लेता हूँ, तो सेट ए इज इक्वल्स टू, अब इवन नंबर का सेट बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे अंदर हम लोग इस सभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सारे के सारे नंबर इवन लिखेंगे। तो इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है, 2, 4, 6, 8, ... और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सो क्योंकि हमें क्या बोला गया है, एक इवन नंबर का सेट बनाना है, तो आप कितने इवन नंबर का सेट बनाना है वो नहीं दिया गया है। ओके, तो इसीलिए इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है वो मैं स्टार्टिंग का नंबर लिखूंगा 2 से, फिर कॉमा, नेक्स्ट इवन क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कॉमा, डॉट 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 मैंने डाल दिया क्योंकि आगे इवन नंबर चलते चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब यहाँ पे बताया गया है 1 से लेके 50 के बीच में कितने इवन प्राइम नंबर है। ओके, आई होप ये आपको आंसर इसका पता होगा। अब इस सेट का नाम हम लोग सेट बी ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर इवन प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर में इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 1 से लेके 50 बोले या 1 से लेके 1000 बोले या 1 से लेके लाख बोले, लेकिन प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर आएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, तो इसमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर मिलेगा, 2। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेक्स्ट वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर, अब आपको कहाँ पे कहाँ तक नेगेटिव इंटीजर लिखना है ये नहीं दिया गया, सिर्फ आपको नेगेटिव इंटीजर बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत में डॉट डॉट डाल देंगे, ओके, फिर कॉमा, फिर हम लोग लिख देंगे -3, -2, -3, -2, -1। ओके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, ये है आपका नेगेटिव इंटीजर, सही है। फिर इसके बाद 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, यहाँ पे सा रे ग म प ध नी। ओके, और
ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, सारे ग म प ध नी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आपको कंप्लीट करना था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर अभी हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वन की तरफ में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा रखा है यहाँ पर, राइट दी फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब ये मैंने कल बताया था आपको, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, ये बिलोंग्स टू होता है, या फिर इज अ एलिमेंट, या फिर इज अ मेंबर। तो 4/3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ आपको स्टेटमेंट में लिखना है, 4/3 इज दी एलिमेंट, एलिमेंट लिखो या मेंबर लिखो या बिलोंग्स टू लिखो, एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। नेक्स्ट वन, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन, या फिर -2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट एन, -2 इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ सेट एन। ओके, क्यों, इसको इसको हम लोग कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको आप लोग यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट एन ऐसा भी चलेगा। तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन लिख सकते हो, या फिर -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, या फिर -2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट एन। इस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो प्रीवियस वीडियो देख लो, सो डैट आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसको ये आपका क्या है, रूल मेथड में लिखा है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं आपको बताया है। ये क्या है, ये सेट पी है। तो यहाँ पे हम लोग पी इज द सेट ऑफ ये जो है अंदर, ये क्या है उसका एलिमेंट है। पी इज द सेट ऑफ ऑल पी, पी इज द सेट ऑफ ऑल पी, पी इज द सेट ऑफ ऑल पी सच डैट, ये जो है इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, ऑल पी। ये वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है, सच डैट पी इज एन ऑड नंबर, सच डैट पी इज एन ऑड नंबर, पी इज एन ऑड नंबर, इसको इस तरह से रीड करना होता है, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल सा है। चलिए फिर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ लेते हैं। राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आपको दो सेट लिखना है, ओके, लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बी इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ओके, बी इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। तो यहां पे आपको लिस्टिंग फॉर्म में अभी लिखना है हमें सबसे पहला, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिस्टिंग मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ द गिवन सेट लिख लेंगे। गिवन सेट का नाम क्या है, सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। अब स्कूल, ये क्या है, ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड के जितने भी अल्फाबेट है इस सेट बी के अंदर है, मतलब ओके। तो इसको हम लोग को लिखना है एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। जो रिपीटेड लेटर्स है उसको हम लोग को एक ही बार लिखना होता है, ये हो गया लिस्टिंग। अब इसी को आपको क्या करना है, रूल मेथड में लिख लेते हैं हम लोग। तो इन रूल मेथड देखो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल लिया आप भी वही एग्जांपल के साथ में लिखो, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ओके। सो रूल मेथड में पहले तो हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया इसको, अभी हम लोग रूल मेथड में लिख रहे हैं। सेम सेट का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, सेट बी, बी इज द सेट ऑफ, अब इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स करके ले लेंगे, सच डैट एक्स क्या है, एक्स इज अ
लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है भाई? स्कूल। एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, काफी सिंपल सा है। मैंने एक ले लिया, आप दूसरा एग्जांपल आप खुद से ले लो। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल कोई ले लेंगे, उसमें आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों के फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है? तो सिंपल सा है, आप लोग कोई भी उठा लो। अभी प्रीवियसली अभी हमने किया ना, वो भी क्वेश्चन में से कोई भी उठा सकते हो आप लोग। चलो फिर अभी हम लोग डायरेक्टली फोर्थ वन की तरफ में बढ़ जाते हैं। राइट दी फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। अभी आपको यहाँ पर ये जो सेट है इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। ओके, सो सबसे पहला सेट का नाम कोई ले लेते हैं हम लोग, सेट ए। अब इंडियन सोलर ईयर में बोला गया है तो आपको लिखना आना चाहिए चैत्र वैशाख। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष लिखो या अग्रयाहन लिखो? मार्गशीर्ष लिखो या अग्रयाहन? पाउस मग फाल्गुन। सो हमने टोटल 12 लिख दिया। देखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मघ फाल्गुन। इस तरह से आप लोग को इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन अभी हम लोग देख लेते हैं, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर। सो अगेन सेट का नाम ले लेते हैं सेट बी, कॉम्प्लीमेंट। बोला गया है कि मतलब ये जो वर्ड है ना कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ड के सारे लेटर सेट बी के अंदर होना चाहिए। सो सी O M P L E M E आ गया है, N N बचा है और एक T। ओके, तो इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। सो काफी सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आता होगा। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गेन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गेन, सेट C से रिप्रेजेंट कर लो। क्या आएगा? नोस, nose, ear, फिर eyes, फिर skin, और क्या आएगा? tongue। okay, so इस तरह से इसको complete करना है। ये सब क्या sensory organ है हमारा। next सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब जो नंबर सिर्फ उसी के टेबल में डिविजिबल होता हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं 11, तो 11 जो है सिर्फ 11 में ही आएगा। क्या 11 2 में आता है, क्या 3 में आता है, क्या 5 में आता है, 7 में आता है, 8 में आता है, किसी में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11 में आएगा। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से लेके 20 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सेट डी से। अब 1 तो आपने पढ़ा होगा कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, ठीक है? तो ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। सबसे पहला नंबर आएगा 2। ओके, 2 सिर्फ 2 में आएगा। फिर 3, 3 सिर्फ 3 में आएगा। 4 4 नहीं हो सकता है। 5
सिक्स नहीं हो सकता है, सेवन हो सकता है, एट नहीं हो सकता, नाइन नहीं हो सकता, टेन नहीं हो सकता है, डायरेक्टली इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन, थर्टीन के बाद सेवनटीन और सीधा नाइनटीन। ओके सो ये है टोटल आपके प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेंटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हम लोग क्या देख रखा है। राइट दी फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। अब रूल मेथड से आपको क्या करना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब ये आपका लिस्टिंग फॉर्म में दिया गया, इसको आपको रूल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। सेट का नाम क्या है भैया आपका, सेट ए है, तो यहाँ पर मैं सेट का नाम दे रहा हूँ सेट ए, कर्ली ब्रैकेट। अब ये जितने भी नंबर से हम लोग देख रहे हैं, ये सब नंबर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि ये वन, वन का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर है, ऐसे कर करके आपको टेंथ का स्क्वायर तक नंबर लिखा गया है। मतलब वन से लेके टेंथ का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। ओके अभी आपको इसको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, ये लिस्ट ऑफ नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वेरिएबल से इसको हम लोग डिनोट कर देंगे। लेट अस कॉल एज दोस वेरिएबल एज अ एक्स। तो ए इज द सेट ऑफ, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ऑल एक्स, मतलब ये सारे के सारे, ये जो है ना, सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। अब सच डैट, एक्स की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, एक्स क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सच डैट। ओके ये क्या है आपका, सच डैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल देंगे एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको बता दे रहे हैं। मतलब एक्स के जगह पे अगर एन स्क्वायर लिखूंगा और एन जो होगा, अगर मैं एन को एक नेचुरल नंबर कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि एन यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर है, और एन को मैं क्या बता रहा हूँ, एन एक नेचुरल नंबर लूंगा, क्योंकि ये नंबर सब क्या है, मतलब ये वन का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, मतलब एक नेचुरल नंबर है। और ये जो है, ये जो नेचुरल नंबर है, मतलब n जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे n इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10, इसको इस तरह से हम लोग बता देंगे। ओके n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने क्या लिखा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर लिया है, x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। और मैंने n क्या बताया, n एक क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब क्या होता है, कैपिटल n मतलब क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो शुरुआत कहाँ से होता है, वन से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी वन से शुरुआत हुआ है ना, ये वन का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है। ओके सो मैंने यहाँ पे बता दिया एन एक क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर शुरुआत हुआ है वो वन से शुरुआत हुआ है। ओके तो और एन का जो वैल्यू है, ये जो एन का वैल्यू, ये लेस देन इक्वल्स टू 10 तक है, मतलब एन का जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 से लेके ऐसे 10 तक लिया जा सकता है। मैंने लेस देन इक्वल्स टू लिखा, अगर मैं सिर्फ लेस देन लिखता तो एन का जो वैल्यू था ना 9 तक ही जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिखा है, मतलब एन का जो वैल्यू 10 तक लूंगा हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर एन के जगह पे जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एन के जगह पे जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते एन का वैल्यू मुझे कहाँ तक लेना है, एन का वैल्यू मुझे 10 तक लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना एन इज लेस देन इक्वल्स टू 10 मैंने बताया। तो एन का वैल्यू मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 10 तक लेना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब ये सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ नंबर था इसको मैंने एक्स से डिफाइन कर लिया। अब सच डैट इस एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूं, मतलब सच डैट एक्स क्या होना चाहिए, एक एन स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे एन स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो एन रहेगा, ये एन क्या है, मेरा एक नेचुरल नंबर है। और इस एन का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा है, मुझे यहाँ पे बताना नहीं, बताने की जरूरत नहीं शुरुआत कहाँ से हो रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया ना एन एक क्या, एक नेचुरल नंबर है, तो ऑफकोर्स नेचुरल नंबर है तो वन से शुरुआत होगा। ओके खत्म कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ मुझे वो बताना पड़ेगा, एन इज लेस देन इक्वल्स टू 10, एन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब एन की जो वैल्यू 10 तक जाएगी। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा पहला वाला। सो नेक्स्ट वन अभी देख लेते हैं, तो काफी सिंपल सा ये, आप लोग इस ऐसे कुछ प्रैक्टिस करोगे ऐसे कुछ सम्स को तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन देख लो, अभी ये भी उसी प्रकार से, बी इज अ सेट ओके ऑफ सम एलिमेंट 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये आप लोग देख रहे हो, ये जो नंबर है सब मल्टीपल है, सिक्स का मल्टीपल है, ये 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 32, 6 8 48। ओके तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, बी इज द सेट, बी इज द सेट ऑफ, अब यहाँ पे भी इन सभी लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके तो बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, ये पाई पे इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे, सच
दैट एक्स क्या है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये जो है ना, ये सिक्स आया कैसे, ये सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन लिखा, ओके, ये ट्वेल्व आया कैसे, सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू लिखा, ये एटीन मिला कैसे, सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री लिखा, ये 24 हमें कैसे मिल रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, हम लोग इसको कह सकते हैं x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 6n होना चाहिए। 1 मतलब ये 1 2 3 4 मतलब क्या है, ये n है आपका, ओके। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 6n हम लोग लिखेंगे, x इक्वल्स टू 6n, और जो मेरा n होगा x इक्वल्स टू 6n, और ये जो n होगा, ये n क्या होना चाहिए, ये n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शुरुआत कहाँ से हुआ है, 1 2 3 4 से शुरुआत हो रहा है, तो n क्या होना चाहिए, n belongs to natural number, ओके। अब n की जो वैल्यू कहाँ तक है, शुरुआत का वैल्यू बताने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ये वाले में था, फर्स्ट वाले में, सिर्फ लास्ट का वैल्यू कहाँ तक है, देखो n का वैल्यू 48 मतलब क्या आएगा, 6 8 सा, तो n का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट अभी नहीं रहेगा, ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट वन अभी हम लोग देख लेते हैं, C इज इक्वल्स टू लेटर ऑफ वर्ड स्माइल दिया गया, तो यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल है, तो लिखना सेट का नाम लिख दूंगा, C इज इक्वल्स टू, अब क्या है, सी इज द सेट ऑफ वर्ड, सी इज द सेट ऑफ ऑल x, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको x कंसिडर कर लेंगे, सो दैट x क्या है, x इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, x इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, s m i l e, सो ये तो काफी सिंपल सा है, ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट वन क्या है, D is the set of all days in a week, इसको बहुत ही सिंपल से लिख सकते हो, D is the set of all x, यहाँ पे ले लो x ले लेते हैं, such that क्या है, x is a set of all days in a week, x is a set of all days in a week, okay? So, इसको इस तरह से आपको mention करना है, काफी simple सा, easy सा है। एक last one, इधर fifth one दिया गया है, so x is a set of letter, क्या दिया है, a e t, eight हो सकता है, eat हो सकता है, या t हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले set का नाम लिख देंगे, x is equals to क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल, चलो यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ एक बार, ओके, यहाँ पे x की जगह पे y ले लिया, y, so that क्या आएगा, y इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, क्या बोलोगे यहाँ पे, t या फिर eat, t या फिर और करके मैं बोलूंगा eat, देखो ये सब वर्ड बन सकता है ना उसमें, या फिर eight भी हो सकता है, ate। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा पसंद आया होगा, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं जल्द से जल्द जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 और उसके पहले कुछ बेसिक्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग भी इस वीडियो को यूं ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, मतलब कोई भी रिलेटिव के साथ में जिनको जरूरत है, मतलब जो अभी क्लास 9 में आए हुए, आप उन तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो, सो डैट उनकी भी एक तरह से हेल्प हो जाएगी, और इस कोरोना की घड़ी में, कोविड-19 की घड़ी में हम लोग को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। सो यू ही हमें कदम से कदम ताल मिलाकर चलना होगा, तो ही हम लोग इस डेंजरस पैंडेमिक से हम लोग लड़ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो आप भी यू ही आपके घर में बने रहिएगा, सेफ रहिएगा और अच्छे से रहिएगा दोस्तों। चलिए फिर अब मैं आपसे अभी यहाँ पर विनती अनुमति चाहता हूँ, जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, सी यू अगेन।